नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। आशा करते हैं कि आप अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएससी थर्ड सीजीएल रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसी से आप लोगों को क्लियर पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये जो नोटिस जारी किया गया है 12/5/2023 को सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के कार्यालय आदेश संख्या 56 दिनांक 14/3/2023 को जारी किया गया था। द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के ज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो ज्ञापन है, तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के संबंधित कार्य हेतु सहायकों की प्रतिनियुक्ति एवं आदेश, ज्ञापन संख्या 173 दिनांक 11/4/2023 का प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 30/4/2023 तक विस्तारित किया गया था। तो पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि जो सहायक नियुक्त किए गए थे उनका 15 अप्रैल तक लास्ट डेट था, लेकिन दोस्तों 11 तारीख को है एक लेटर जारी किया गया था और उसका डेट बढ़ा करके यहाँ पे प्रतिनियुक्ति 30 अप्रैल तक कर दिया गया था। वही दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे देख सकते हैं, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के कार्यालय ज्ञापन 195 दिनांक 19/4/2023 द्वारा उक्त कार्य हेतु कतिपय सहायकों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 30/4/2023 तक के लिए बिहार कर्मचारी आयोग पटना में की गई। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा कार्य प्रक्रियाधीन रहने के कार्य के बीच में किसी दल व्यक्ति को विरमित किया जाना व्यवहारिक तथा संपूर्ण कार्य प्रभावित होने के आधार पर आदेश ज्ञापन संख्या 208 दिनांक 27/4/2023 को प्रतिनियुक्त सहायकों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 15/5/2023 तक विस्तारित किया गया था। तो दोस्तों, आप लोग के पता ही है कि 15 मई तक सहायकों को विस्तारित किया गया था। दोस्तों, अब यहाँ पे मामला ट्विस्ट आने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पुनः बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के पत्रांक 1983 आज दिनांक 11/5/2023 द्वारा कतिपय सहायकों की प्रतिनियुक्ति 25/5/2023 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे लगातार बीएसएससी आयोग दिन पर दिन बढ़ाते जा रही है। पिछले बार यहाँ 15 मई तक बढ़ाया गया था, अब 25 मई तक विस्तारित कर दिया गया है और इस बार 10 दिन और एक्सटेंड कर दिया गया है। वहीं उक्त अनुरोध के आलोक में निम्नलिखित सहायकों की प्रतिनियुक्ति आयोग के कार्यालय में दिनांक 25/5/2023 तक विस्तारित किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुल मिलाकर के 10 सहायक थे और उनका नियुक्ति किया गया था। तो दोस्तों, ये बीएसएससी आयोग क्या कर रहा है, अपना पुराना रूप धारण कर चुका है। दोस्तों, जैसा कि बीएसएससी एग्जाम का शेड्यूल जारी किया गया था कि आपका प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा और आपका रिजल्ट कब होगा, आपका ज्वाइनिंग कब होगा, सारे नोटिस में माध्यम से सूचित कर दिया था अभ्यर्थियों कि आप लोगों को जून तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वही बीएसएससी आयोग यहां पे देख सकते हैं, एक रिजल्ट तैयार करने के लिए 4 महीने बीत चुके हैं, फिर भी उनसे रिजल्ट तैयार नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये बिहार का हाल है। यहां पे देख सकते हैं लगातार डेट पर डेट देते जा रहा है। वही वहां दोस्तों, यहां 25 के बाद में आगे क्या होता है, आगे बढ़ सकता है या नहीं। और दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 25/5/2023 के बाद भी विस्तारित करते हैं कि 25 तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ भी नहीं कर सकते हैं बिहार। तो दोस्तों, आप लोग तैयारी में लगे रहें, रिजल्ट जब भी प्रकाशित होगा, अगर आना होगा तो आपका नाम आ ही जाएगा। और आशा है कि इस महीने के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट की प्रक्रिया पूरा कंप्लीट कर लेता है तो आप लोग का रिजल्ट 25 के आसपास में, 28 हो या 2 दिन पहले हो, इसके आसपास में आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।